करीब 5 लाख के उसे पानी छोड़ा गया, जिस कारण क्षेत्र में बाढ़ आने की संभावना है। और देखिए कि वाल्मीकि नगर बराज से लगभग 5 लाख क्यूसिक पानी गंडक नदी में छोड़ दिया गया है, जिसके बाद गोपालगंज को हाई अलर्ट कर दिया गया है। कई जगहों पर सीओ माइकिंग कर लोगों को अंदर वाले इलाकों से बाहर निकाल रहे हैं। जो बांध के अंदर लोग हैं उन्हें बाहर निकालने की अपील की जा रही है। गोपालगंज से लेकर बैकुंठपुर तक 5 लाख क्यूसिक पानी छोड़ा गया, जिस कारण क्षेत्र में बाढ़ आने की संभावना है। जो भी लोग नदी के किनारे रहते हैं, जिनके परिजन या जिनके कोई भी दोस्त परिवार हित रहते हैं, उनको मोबाइल के माध्यम से सूचना दे दो कि सब अलर्ट मोड पर रहेंगे। और जिनका भी जो सामान वगैरह है, मवेशी है, पशु है, सबको सुरक्षित स्थान पर ले जाने की तैयारी में रहेंगे। जो लोगों से अपील की जा रही है कि आप लोग बाहर निकले, तस्वीरें दिखाएंगे कि ये तस्वीर जो है गोपालगंज की तस्वीर है। और यहाँ पर आप तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरह से जो गंडक नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, उसके हिसाब से जो स्पीड है वो आप देखिए कि पानी जो है वो किस तरह से बढ़ रहा है। यानी रात तक इसमें पानी भर जाने के बहुत ज्यादा पानी आने की संभावनाएं हैं, क्योंकि 5 लाख क्यूसिक से ज्यादा पानी जो है वो छोड़ा गया है। ये तस्वीरें जो है आपको डुमरिया घाट की है वो दिखा रहे हैं। गेज दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए मीटर जो है वो हम आपको दिखा लेते हैं कि मीटर पर देखिए कि कितना जो है मीटर पर पानी फ्लो कर रहा है अभी। हालांकि लगातार ये फ्लो जो है वो बढ़ रहा है, अभी 20 के आसपास है। लगातार हर मिनट वो पानी का फ्लो बढ़ते जा रहा है। पूरी तस्वीर जो हम आपको दिखाएंगे और हम लोगों से अपील करेंगे कि लोग जो गंडक के जो अंदर वाले इलाके में बांध के अंदर है, वो लोग अपने सुरक्षित जगहों पर चले जाएं, वहां से निकल जाएं, क्योंकि रात तक बहुत ज्यादा पानी आने की संभावनाएं हैं। ये पूरी तस्वीर जो है हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अभी जो तस्वीरें हैं दिखाते हैं कि डुमरिया का रिवर फ्रंट है, हमारे पीछे देख रहे होंगे, लेकिन कैसे पानी फ्लो करता है वो दिखा रहे हैं कि देखिए पानी जो है कितना बढ़ गया है, जलस्तर लगातार वृद्धि हो रहा है। हालांकि अभी 2,80,000 पानी का क्रॉस करने की सूचना है, लेकिन रात होते होते तक यह 5 लाख से ज्यादा क्यूसिक पानी यहाँ से क्रॉस करेगा और तब क्या स्थिति होगी वो आप समझ सकते हैं। यानी पूरी तरह से जो जिला प्रशासन है अलर्ट मूड पर है, जगह जगह पर माइकिंग की जा रही है, लोगों से अपील किया जा रहा है कि लोग जो है सुरक्षित जगहों पर चले जाएं, निचले इलाके में नहीं रहें। पानी का फ्लो बढ़ेगा तो खतरा हो सकता है, बांध भी टूटने का खतरा है। अब फ्लो देखिए कितना तेज है और कितनी तेजी में जो है पानी वो बहाव कर रहा है। गेज जो है यहाँ पर लगा हुआ वो दिखाने की कोशिश करेंगे। उस मीटर की तरफ जरा एक बार दिखाइए कि 10 सेंटीमीटर दिखा रहा है, यानी जो उसके नीचे जो लिखा हुआ है 6 मीटर, अब जो आप देख रहे हैं पाया जिस पर मीटर लगा है उसमें लगभग 6 मीटर तक की जो है वो डूब चुका है। 6 मीटर अंदर जो है पानी जो है वो इसका जो फर्श है वो डूबा हुआ है। यानी मान के चलिए कि 6 उतनी अंदर तक पानी है, अगर वहाँ जाते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए अलर्ट जारी किया गया और उस पर जो है रेड शाइन बोर्ड लगाया गया, उसको पानी क्रॉस कर गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना पानी का बहाव होगा और किस तरह से जलस्तर जो है लगातार वृद्धि कर रहा है। पूरी तस्वीर जो है हम गोपालगंज से आपको दिखा रहे थे कि अगर आप भी देरा के इलाके में है, गंडक नदी के अंदर है, तो आप अपने आप को सुरक्षित कर लीजिए, वरना रात तक जलस्तर बढ़ेगी और फिर परेशानियां जो है वो बढ़ेंगी। तो साफ तौर पर आपको हम अभी डुमरिया घाट के पास से पूरी तस्वीर जो है दिखा रहे थे। अपील करेंगे कि आप भी उस पर अलर्ट रहिए, अगर पानी लगातार वृद्धि कर रहा है, अगर ऐसा होता है तो आपके साथ भी खतरा हो सकता है। आप देख, रोग का एक ही इलाज मेडिकेयर है आपका समाधान। नवजात बच्चे, शुगर, पेट, छाती, हृदय, मुंह और दांत के अगर रोग से हैं परेशान, तो आइए मेडिकेयर आपको देगा समाधान। मेडिकेयर में स्पेशल NICU, ICU और दवा सहित अन्य सभी सुविधाएं से है लैस। हाईवे रोड में सबनम होटल के पास बिप्रयासी स्कूल के सामने है यह मेडिकेयर अस्पताल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।